हे गाइस, आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाने वाली हूँ कि मेरा बेडरूम कैसा हमने बनाया है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, हम सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके से बनाया। तो मैं थोड़ा छत पे आई थी, अयो, तो मैं आज आपको मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ। छत पे भी फुट मैट रखा है कि जो छत से आएगा जाएगा ना, उसको मैं टाइपोस किया जाए करें, स्पेशली सभी को मैं बोलती हूँ। सो आज मैं चलती हूँ नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम। कोई है नहीं जिसकी वजह से कैमरा पकड़े। पीहू है, पीहू तो मेरे से पहले आ जाती हूँ, तो पीहू है बट आराम करने देते। सो गाइस, चलते हैं अपने रूम में। बैक कैमरा स्टार्टिंग। बेड, ये बेड रहा, ये ब्लैंकेट रहा जो मैं उड़ती हूँ, और ये मैंने ये टी शर्ट डाल रखी थी, और ये हमारा बेड रहा। कुछ ये लुक है हमारे बेड का। मैं और नवीन इस पे रहते हैं, और ये बेड मैंने नया बनवाया था। ये लल्ला है पीछे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे गर्म पानी पीती तो कभी नहीं हूँ क्योंकि बट रखा रहता है ज़रूर। और यहाँ पे ये मैंने बॉक्स बनवाया था कि कुछ भी आपको अर्जेंट ऐसा एसी का रिमोट रख अर्जेंट लगे तो आप रख सकते हो इसको। तो अभी यूज़ नहीं होता है। तो ये रहा बेड, बेड मेरा। और ये रहे मेरे पर्दे एसी, एंड ऊपर का कुछ ऐसे है। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम एंड सी। इधर इधर है ये टीवी है, स्पीकर है। ये भी ड्रॉअर हमने बना रखा है कुछ काम के लिए, जो भी काम होगा ऐसा कुछ। और ये इसके ऊपर भी बना रखा है कुछ लगेज वगेज, कुछ भी ऐसा हो हम सामान उसमें रख सकें। और साथ के साथ सेम कलर मैंने सारा घर ही वाइट वाइट किया है। तो ये मेरा है वार्डरोब, जो कि मेरा इस साइड वाला नवीन का, उस साइड का मेरा। मेरा तो कम ही पड़ जाता है। एंड चलिए ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैं नवीन का वार्डरोब ओपन करती हूँ। ये शर्ट रखे हुए हैं, इधर जीन्स है, इधर हाफ पैंट, इधर ट्रेडिशनल कपड़े, मतलब इनके कुछ खाली खाली से ही रहते हैं। हम देख सकते हो काफ़ी खाली खाली सा ही रहता है। और ये हमारी बहुत पुरानी फ़ोटो, बहुत पुरानी तो नहीं बट शिमला हो गया था जबकि फ़ोटो है ये। तो इनका वार्डरोब में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और इनका वार्डरोब में बंद करती हूँ। एंड मैं ये अपना वार्डरोब खोलती हूँ। मेरे वार्डरोब में है ऊपर ले साड़ियाँ, जो कि थोड़ी हैं, मैंने पूरी अभी अंदर डाल के रखा है। मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो वैसे भी रखा हुआ भी यूज़ तो करती हूँ, आपको पता ही है। नीचे हैं मेरे लहंगे एंड गाउन, इस वाले में गाउन स्कर्ट एंड लहंगा। इसमें है मेरे सूट, कुर्ती, लेगीज जो भी हो वो है। और इसमें है मेरे वेस्टर्न ड्रेस, टी शर्ट, शॉर्ट्स, पैंट, जीन्स जो भी। ये शूज़ मैंने लाया था वहाँ से। कहाँ से लाया था? सरोजिनी नगर से। तो अभी मैंने यूज किया नहीं है, तो इसमें ही रखा हुआ है ये। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा वार्डरोब। कैसा लग रहा प्लीज़ कमेंट में बताना आपको मेरा ये घर, ये मेरा बेड। और साथ के साथ ही मैंने कर्टन्स लगाए हैं, ये देख सकते हो। एंड ये रहा मेरा मेकअप रूम। मेकअप रूम मीन्स को वार्डरोब बंद करती हूँ, पीछे दिख रहा है मीन्स मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल को ऐसे ओपन करते हैं और दिखाती हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ। इसमें है परफ्यूम, ये मेरे पर्स जो मैंने इस बार लेकर आई हूँ दिल्ली से। एंड इधर है मेरे नेल पेंट्स, परफ्यूम, ऑयल, क्रीम। इधर मेरे बैंगल सेट हैं, जो कि बहुत सारे बैंगल्स मैंने अभी मतलब सही नहीं किया हुआ, सब ऐसे ही रखा हुआ। और ये जो भी बैंगल्स है ना, मेरी भाभी ने दिया था मुझे, मैंने उसे मंगवाया था एक्चुअली, तो उसने दिया था। ये येलो, ग्रीन, रेड, सब उसका ही है। चूड़ा मेरे शादी का है, ये चूड़ा मेरे शादी का है जो कि मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। एंड ये एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता था, जो भी जैसे है वैसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और इसमें मैंने लाइट भी लगवाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल में लाइट लगवाया था, ऐसे है कुछ।
एंड इधर भी मैंने बनाया ड्रॉर, इसमें है सामान, ज्वेलरी वेलरी है जो मैं डालती हूँ, और इसमें है मेरे इयर रिंग्स, मेकअप के कुछ सामान, ज्वेलरी वेलरी सब थी, ऐसा सब कुछ रखा हुआ है, यूज हो या ना हो लेकिन रखी रहती हूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये रहा मेरा कुछ ऐसा, सो हो गया, ये मैंने दिखा दिया आपको, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना आपको। और ये मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है जो मैंने गाउन डाला हुआ, ये मैंने दिवाली पे मेरे को नवीन ने गिफ्ट किया था, गिफ्ट क्या खरीदा था यार वाइफ के लिए, एंड ऐसे चलो साथ में जो अटैच हमारा टॉयलेट बाथरूम है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डोर है हमारा और ये ऊपर सीढ़ी जाती है छत की, वो किसी और दिन दिखाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ओपन करती हूँ, ये रहा मेरा वॉशरूम। वॉशरूम में मैंने बनाया है ये कांच, इसमें मैं सामान अपना जो भी रहता है एक्स वाई जेड रखते हैं हम लोग। इधर मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ और ओले यूज करती हूँ, ये बकेट रहा, वाइपर रहा, और मेरा बाथरूम बिल्कुल क्लीन दिखेगा आपको, बिल्कुल ही क्लीन दिखेगा, बिकॉज मैं बहुत सफाई से रखती हूँ, मुझे पसंद नहीं है गीला, तो मुझे पसंद नहीं है। सो आ गई, जब मेरा काम हो गया तो आ गई, एंड ये रहा मेरा रूम। और रूम के बाहर आपको मैं दिखाती हूँ, साथ ही मेरा लगा हुआ है बाल अटैच बालकनी, तो आपने देखा होगा कभी कभी मैंने व्लॉग में दिखाया होगा आपको, तो आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ से ही दिखाती हूँ। ये रहा मेरे ठीक बेडरूम से ये दिखता है, जिम एरिया दिखता है, और यहाँ पे वुड फर्श किया उन्होंने, वुड वाला, यहाँ पे एक प्लांट लगाया है, और एक यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने प्लांट लगाया, यहाँ पे हमारी शुनू मुनू बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, सब एरिया दिखा देती हूँ। ये बाहर मेरी स्कूटी और पीहू की साइकिल रखी है, बिकॉज पार्किंग में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ये वहाँ रखी हुई है, एंड मैं इसको क्लोज करती हूँ। और इतना थकने के बाद ब्लॉगिंग करना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो बेडरूम कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना, और ज़रूर ही बताना मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आप कमेंट में बताओगे तो मुझे, तब तक मैं सारे जो भी एक दो शॉर्ट वीडियो, मतलब अच्छा तो नहीं बनता है आई नो, बट कोशिश करती हूँ बनाने की। सो मैं ये ओपन करती हूँ एंड रखती हूँ, क्योंकि और भी घर में बहुत सारे काम हैं। अब मैं अपने रूप में आ जाऊंगी, जो कि मेरा रूप बहुत सिंपल लुक रहता है, ये तो मैं बस ब्लॉगिंग करने के लिए ही करती हूँ। ये देखो तो चूड़ी में ना हल्दी लगी हुई है, हल्दी ना मैं एक्चुअली पूजा वाले दिन येलो और रेड चूड़ी डाली हुई थी, सो ये हल्दी लगी हुई है। तो हो गया मेरा टोटल आज का, ब्लॉगिंग भी हो गया आज का मेरा, एंड एक दो शॉर्ट वीडियो भी हो गए मेरे, और मैं थोड़ा भी मतलब चेंज करके, इयररिंग्स नहीं चेंज किया था, और मैं आजकल ये बहुत खा रही, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ खा रही हूँ मैं, मुझे जब भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है तो मैं ये खाती हूँ, क्यों खाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता मैं क्यों खाती हूँ आजकल ये, तो ये आजकल मैं ये बहुत खा रही हूँ, अभी खाती थी खा रही थी। अभी मुझे शाम के लिए खाना भी बनाना है, और अपने लुक में आके फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि इस लुक में आके तो मैं आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है मेरे को कुछ भी। ये मैंने नाइट ड्रेस लिया था फ्लिपकार्ट से। सो प्लीज कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो, मेरा बेडरूम कैसा लगा, छोटा सा बेडरूम है बट अच्छा है, और आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार बहुत सारा प्यार देना, आई नो मैं मेहनत नहीं करती हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज बाद में बताऊँगी क्यों नहीं उतनी हो पा रही है, सब कुछ बाद में ही बताऊँगी तो अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी कुछ बताना सही नहीं है, सारे लाइट बंद करके दी, बिल बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा 10 मिनट आराम करूँगी, 10 मिनट आराम करने के बाद से खाने में लग जाऊँगी, और उसके बाद चाय पानी करूँगी, क्योंकि
थोड़ा पार्किंग में काम चल रहा है तो उनको भी चाय देना है। चलो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ और मेरी वीडियो को गेस करूँगी कि व्यू इसका बहुत अच्छा आप लोग दो, व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपकी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। सो चलो मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर बहुत सारा प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये सब तो हमेशा बनाए रखना। सो थैंक यू।